जिन 144 संसदीय क्षेत्र में भाजपा का सांसद नहीं है उन क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन 144 के तहत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रपुर शहर में जनसभा लेकर इस मिशन का शंखनाद किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहर में हुई जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री पद की लालसा में उद्धव ठाकरे ने भाजपा की पीठ में खंजर घोंपा था। महाविकास अघाड़ी के नाम से उद्धव सेना, कांग्रेस और राकंका ने भ्रष्टाचार की दुकानें शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश मांगने वाला नहीं देने वाला कहला रहा है। हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। हर घर नल हर घर जल योजना, 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय बनाकर सम्मान दिलाया है। नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए विचारों से समझौता करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। राजनीति में हमेशा ही सत्य की जीत होती है। कांग्रेस राकंका के सामने माथा टेकते टेकते ठाकरे का शीश नतमस्तक हो गया है। भाजपा ने जनाधार, जनधन, आधार और मोबाइल को एक सूत्र में लाया। तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने केवल ज्वाइंटली एक्वायर मनी ऐसी पद्धति से पैसा लूटने का काम किया। इसी भ्रष्टाचार के कारण राज्य के 2 मंत्री कारागृह में गए। इनमें से एक पूर्व मंत्री हाल ही में जेल से छूटे, एक जेल में अब भी सजा काट रहे हैं। पहला प्रवास चंद्रपुर लोकसभा से किया है, इसलिए एक बार चंद्रपुर की जनता फिर एक बार अपने सारे यहाँ पे उपस्थित ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रदेश की जवाबदारी मेरे पर सौंपी है और मुझे इस बात का अभिमान है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पुरजोर आगे जाने का प्रयास कर रहा है। कि आज माननीय देवेंद्र जी यांची अचानक रात्री 1 वाजतापासून प्रकृती येणार नाही नसल्यामुळे ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही। त्यांनी या सभेला आपल्या शुभेच्छा व्यक्त केल्या। देवेंद्रजी येण्याचा खूप प्रयत्न केला पण त्यांचा टेम्परेचर 103 पर्यंत गेलं आणि म्हणून त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर आणि आपल्या सर्वांना विनंती केली आहे, क्षमाही मागितली आहे की मी येऊ शकलो नाही। त्यांचा संदेश सुद्धा आपल्याला पोहोचवतो की माननीय सुधीर भाऊ के नेतृत्व में आज माननीय हंसराज जी के नेतृत्व में इस लोकसभा के हमारे सारे कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से हर बूथ पर, हर बूथ के आखिरी कोने तक, हर समाज तक, हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पे संगठन में रोज हम वृद्धि कर रहे हैं। मुझे इस बात का अभिमान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्षांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मागे 1856 ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, त्यापैकी 600 ग्राम पंचायती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते सरपंच पदावर गेले। चंद्रपूर आए हैं हमारी लोकसभा, जहां पर मैं कई बार लड़ा, 4 बार लोकसभा सांसद भी रहा, आपके साथ में भी रहा हूँ और आप ही के माध्यम से हमारे जिले को आपने बहुत बड़ी 2 चीज़ें दी हैं। एक तो आज चंद्रपुर जिले में जो मेडिकल कॉलेज है ये राज्य सरकार ने बनाकर पूरा किया सुधीर जी के और देवेंद्र जी के नेतृत्व में, लेकिन इसकी मान्यता आपने दी थी ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रपुर की जनता को मैं याद दिलाता हूँ, ये मान्यता आप ही ने दी थी जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे और आपने और एक काम यहाँ बड़ा किया था, जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ह्यूमोग्लोबुलोपैथी रिसर्च सेंटर, कंट्रोल सेंटर बना है सिकल सेल के आधार पर, इसकी भी मान्यता मिलते मिलते जो फंड चाहिए था वो आप ही ने देने से यहाँ पे आप वो पूरा हुआ है। इसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पिछले माह में उसका लोकार्पण भी हुआ है। इसके शुभारंभ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय का संकल्प ये चंद्रपुर आकर शुरू किया है। मैं मन में सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक इस देश के भारतीय जनता पार्टी का विजय का संकल्प ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रपुर से शुरू किया है। सहजता से ये भाव मन में आया
कि इसका कारण बहुत सीधा और साफ है। अगर आर फार रावण को पराभूत करना है तो आर फार राम से ही शुरू होती है कहानी। अगर के फार कंस को, फार कंस के लिए के फार कृष्ण को ही युद्ध के मैदान में उतरना होता है। आने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूं। और सदा लहराए इस कामना के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां जब आया हूं तो मैं महाकाली को याद न करूं तो शायद मेरा आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं महाकाली को वंदन करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ वीर बाबू विपरीत परिस्थिति में भी आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, इसको हमको समझना चाहिए। और फिर मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटानिया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हुआ। आज के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर रहा है। अगर आज मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं है, आज हम स्टील में दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। 8 सालों के अंदर जो देश 52% मोबाइल बाहर से लाता था, आज यह देश 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है। नड्डा ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता कर यूक्रेन युद्ध को रोका था। इसके बाद भारत 32,000 विद्यार्थियों को युद्ध भूमि से सुरक्षित भारत लाया जा सका। जब तक विद्यार्थी भारत में वापस नहीं आए तब तक युद्ध रुका रहा। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान से जो नहीं हो सका वह मोदी ने कर दिखाया। जनसभा में पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, सांसद अशोक नेते, सांसद रामदास तड़स, विधायक संजीव रेड्डी, विधायक डॉक्टर रामदास आबंडकर, विधायक बंटी भांगड़िया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष देवराव भोगले, शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।